हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाँ बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डाटा हैंडलिंग पढ़ा था और आज हम हमारे नए वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नया चैप्टर लेकर के आए हैं, दैट इज़ डिवीज़न। बच्चों, आप डिवीज़न तो पहले से जानते हैं, राइट? तो आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इक्वल शेयरिंग और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड डिवीज़न। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल शेयरिंग करें या ग्रुपिंग करें, उसे हम क्या कहते हैं? डिवीज़न कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड, देयर आर सिक्स मैंगोज। मम्मी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली बिटवीन हर टू चिल्ड्रन। देयर आर कितने मैंगोज हैं? यहाँ पर सिक्स मैंगोज हैं और मम्मी क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने बच्चों में, वीनू और चीनू के बीच में, दोनों चिल्ड्रन के बीच में इन सिक्स मैंगोज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है ना? तो आप लोग तो वैसे ही समझदार है, वैसे ही बता देंगे, हर एक को तीन तीन दे दो था, है ना? चलिए, खैर इसको थोड़ा डिटेल में बताया इन्होंने। मम्मी गिव वन मैंगो टू वीनू एंड वन मैंगो टू चीनू, एक एक दे दिया। अब मम्मी के पास कितने बचे? एक एक, ठीक है। नाउ मम्मी अगेन गिव वन मैंगो ईच टू टू चिल्ड्रन, फिर उन्होंने एक एक मैंगो और दे दिया, तो उनके पास अब कितने बचे? अभी भी दो मैंगोज उनके पास बचे थे। नाउ मम्मी नाउ गिव्स वन मोर मैंगो ईच टू द टू चिल्ड्रन, अब उन्होंने एक एक और दे दिया, मतलब थ्री थ्री इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नो मैंगोज आर लेफ्ट विथ मम्मी। नाउ द सिक्स मैंगोज आर शेयर इक्वली बिटवीन द टू चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गेट्स थ्री मैंगोज। वी राइट इट इन डिविजन सेंटेंस एज सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री, दैट दिस इज द साइन ऑफ डिविजन, राइट? नाउ वी रीड इट एज सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री। ओके बच्चों, सो नाउ वी नो दैट द इन डिविजन वी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इक्वली, फाइन। चलिए अब इसी तरह से हम इसको करते हैं, डिवाइड नाइन फ्लावर्स इंटू थ्री ग्रुप्स। अब ये नाइन फ्लावर्स हैं, इन नाइन फ्लावर्स को थ्री ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये थ्री एंड ये थ्री, राइट? सो नाइन फ्लावर्स डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। नाउ वी हैव डिवाइडेड नाइन फ्लावर्स इंटू थ्री इक्वल ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज गॉट थ्री फ्लावर्स, सो वी राइट इट इन अ डिविजन सेंटेंस एज नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 30 निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना? यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये पहले से करके दिया हुआ है, एंड राइट द डिविजन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द सम वन इज डन फॉर यू। 12 कीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। यहाँ ये 12 कीज दिख रही हैं, आपने इनको क्या किया? थ्री ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर एक में कितनी कितनी आ गई? फोर फोर, राइट? सो नंबर ऑफ ग्रुप्स थ्री, कीज इन ईच ग्रुप फोर। डिविजन सेंटेंस कैसे लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाय थ्री ग्रुप्स। 12 टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है? 12। सो 12 हियर, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? थ्री, राइट? सो आंसर कितना आएगा? फोर। इसी बेस पर हमने आपके लिए ये सारे क्वेश्चन भी करके रखे हैं। देखिए यहाँ ये 10 पेंसिल्स हैं, इसमें आपको कितना करना है? 10 पेंसिल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? टू। पेंसिल्स इन ईच ग्रुप फाइव हो जाएंगी। डिवीजन सेंटेंस क्या होगा? इस तरह से। इसी तरह आप 16 कैप्स को भी आप फोर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो फोर बाय फोर 16, फोर, है ना? ये आप देख सकते हैं, है ना? इसको आप समझिएगा जरूर और समझ के इसको करिए। यहाँ जैसे ये सिक्स टोटल 30 पेंस दिए हुए हैं, अब 30 पेंस को कितने ग्रुप में बना डिवाइड किया है? वन टू थ्री फोर फाइव, राइट? सो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? फाइव ग्रुप्स हो गए। डिविजन सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 5, सो यू विल गेट 6 पेंस इन ईच ग्रुप, 1 2 3 4 5 6। ओके चलिए, इसी बेस्ड पर आपका ये अगला नेक्स्ट पेज पर रिवीजन टाइम दिया हुआ है, इसको आप करेंगे। इस रिवीजन टाइम में इन 14 फ्लावर्स को टू चिल्ड्रंस में आपको डिवाइड करना है, राइट? तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड दिखा रहे हैं आपको, है ना? सेवन ऊपर है, सेवन नीचे है, तो आप इसको चाहे तो कर सकते हैं लाइन से। सो ईच चाइल्ड हैज सेवन फ्लावर्स, दैट मीन्स डिविजन सेंटेंस क्या होगा? 14 डिवाइडेड बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू सेवन, राइट? चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड एट मैंगोज अमॉन्ग फोर चिल्ड्रन, फोर गर्ल्स। अब टोटल एट मैंगोज है, फोर फोर मैंगो फोर गर्ल्स में डिवाइड करना है, तो कितने कितने जाएंगे सबके पास? टू 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 टू। ओके, सो ईच गर्ल हैज टू मैंगोज, एट डिवाइडेड बाय फोर एंड दैट इज इक्वल टू टू। सिमिलरली अब ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास जो है 12 टाइप की स्वीट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड 12। अब आपको इनको थ्री बॉक्सेस में अरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे?
ईच बॉक्स हैज फोर टाइप्स ऑफ स्वीट्स, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, राइट। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 32 निकालते हैं। यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें यहाँ पर आपके पास ये 5 बॉयज हैं, इनको आपको ये 25 मार्बल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इन्हें 5 5 मार्बल्स हर एक को दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। चलिए नेक्स्ट, डिवाइड 9 बलून्स अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस। यहाँ ये 3 चिल्ड्रंस दिए हैं, है ना, और ये 9 बलून्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 3 बलून्स आप हर एक को दे सकते हैं। इसी बेस पर ही आपके लिए एक्सरसाइज है जो हमने आपके लिए किया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। डिवाइड द बलून्स इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स। पहली बात तो आपकी बुक में इस तरह से लाइनिंग नहीं दी हुई है, तो आपके लिए हमने डिवाइड किया है। यहाँ 10 बलून्स थे जिनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप, राइट। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब आपसे पूछा गया है हाउ मैनी बलून्स आर देयर इन द पिक्चर, तो टोटल 10 बलून्स हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ बलून्स आर नीडेड, कितने बलून्स बोले गए हैं, तो 2 बोले गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ग्रुप्स। सो हाउ मैनी बलून्स आर देयर इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने हो गए, 5 5 हो गए। सो हम इसका सेंटेंस देखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर। डिवाइड द काइट्स इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स। अब ये काइट्स हैं, है ना, यहाँ टोटल 9 काइट्स दी हुई थी, तो इन काइट्स को आपको 3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमने इस तरह से आपके लिए कुछ किया है, आप देख सकते हैं, है ना। सो हाउ मैनी काइट्स आर देयर इन पिक्चर, सो टोटल 9 इंटू हाउ मैनी ग्रुप्स आर काइट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 3। हाउ मैनी काइट्स आर देयर इन ईच ग्रुप, सो आंसर इज 3, 3 3 9। ओके, सो डिविजन सेंटेंस क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब बच्चों ये चीजें आपको तो समझ में आई गई होंगी, है ना। अगर आपको थोड़ा भी फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करें, एक बार फिर से सुने, आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आप लोगों को सब्ट्रैक्शन तो आता ही है, अब हम यहाँ डिवीजन रिपीटेड कर करके सीखेंगे, मतलब उसको बार बार रिपीट करेंगे। कैसे, डिवीजन इज सेट टू बी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। गोपाल हैड 6 मार्बल्स, गोपाल के पास कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ही विशेष टू गिव इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स टू हिज 3 फ्रेंड्स, वो क्या चाहता है, अपने 3 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। ही गेव 2 मार्बल्स टू समीर, उसने 2 मार्बल समीर को दे दिए, तो अब इसके पास कितने बचते हैं, नाउ ही हैज 6 माइनस 2, दैट इज 4 मार्बल्स। अगेन ही गेव 2 मार्बल्स टू मोना, उसने 2 मार्बल्स और मोना को दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2 मार्बल्स। लास्टली ही गेव 2 मार्बल्स टू अमन, उसने लास्ट में जो बचे हुए 2 मार्बल्स थे वो अमन को दे दिए। अब 2 में से 2 मीन्स मार्बल्स अब उसके पास एक भी नहीं बचता है, राइट। सो गोपाल हैज 2 मार्बल्स विद हिम नाउ, ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल 6 मार्बल्स अमंग हिज 3 फ्रेंड्स। तो बच्चों आपने यहाँ क्या देखा, आपने हर बार 2 2 माइनस किया, दैट मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द नंबर, राइट। सो अगर इसके बेस पर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, पेज 34 निकालते हैं। यहाँ देखिए, देखिए इसको और एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग 2 मार्बल्स एट ए टाइम, द नंबर ऑफ मार्बल्स विद हिम वॉज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड बाय 2 ईच टाइम और गेटिंग लेसर बाय 2 ईच टाइम। उसने हर बार 2 2 माइनस किया, दैट मीन 6 माइनस 2 किया फर्स्ट टाइम, तो 4 4 में से 2, फिर माइनस किया सेकेंड टाइम, फिर तो आंसर आया 2 2 में से, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड टाइम, और अल्टीमेटली लास्ट में उसको 0 मार्बल्स थे। सो ही कुड गिव 6 मार्बल टू हिज 3 फ्रेंड्स इक्वली, आफ्टर दिस ही वॉज नॉट लेफ्ट एनी विथ एनी मार्बल फ्रॉम 6, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स वी गेट 0। सो द डिविजन सेंटेंस वी से इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। आई होप बच्चों आप लोगों को ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझ में आया है। देखिए इस एक्सरसाइज में यहाँ आपको ये क्वेश्चन दिया है, डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, राइट द डिवीजन सेंटेंस इन द एंड, 1 इज डन फॉर यू। डिवाइड 20 बाय 4, आपको क्वेश्चन दिया गया है डिवाइड करना है 20 को 4 से, मीन्स आपको 4 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता, दैट मीन्स 20 माइनस 4, दैट इज 16। अगेन दिस 16 हियर, 16 माइनस 4, दैट इज 12। This 12 here, 12 minus 4 is equal to 8. This 8 here, 8 minus 4 is equal to 4. And this 4 minus 4 is equal to 0. So, बच्चों हम देख रहे हैं first time, second time, third time, fourth time, fifth time. Five time आपने उसी 4 को subtract करते गए, तब आपका answer, ultimate answer क्या आया? 0 आया. That means this is called
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वी से 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50 एंड राइट इज लाइक दिस, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। चलिए इसी पेज पर आपका एक इसी का पार्ट बी है जो आपके लिए हमने किया है, आप इसको देख करके कर सकते हैं। देखिए 30 डिवाइडेड बाय 5 बोल रहे हैं, 30 माइनस 5 25, 25 माइनस 5 20। बच्चों ये ध्यान रखिए जो नंबर यहाँ आएगा उसी में से आपको नेक्स्ट नंबर माइनस करना है, ठीक है? तो देख पा रहे हैं आप 30 में से 5 या 25, 25 यहाँ लिखा, 25 में से 5 या तो 20 बचा, 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 इज 5 एंड 5 माइनस 5 इज 0। यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम तो लिखा हुआ था, फिफ्थ टाइम और सिक्स टाइम हमने लिखा है। सो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। सो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। यहाँ टोटल कितनी टाइम हुआ है, 6 टाइम हुआ है, इसलिए इसका आंसर 6 आया। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन पार्ट सी है जो आपको इस तरह से करना है, ये हमने आप लोगों के लिए करके रखा है। देखिए इसको इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे आप लोग, है ना? सेम प्रोसेस है जो हमने आपको ऊपर समझाया है, बस आपको इसको देख करके कर लेना है, ठीक है? चलिए पहले आप इसको अपने मन से जरूर करिएगा ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए टर्न करते हैं पेज, पेज नंबर 36। अब आते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज डिवीजन ऑन नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते आए हैं, अब यहाँ डिवीजन भी हम सीख रहे हैं। फॉर डिवीजन ऑन द नंबर लाइन विल काउंट एंड जंप बैकवर्ड्स। हम सबसे पहले नंबर लाइन पर डिवीजन करने के लिए काउंटिंग करते हैं और फिर उस पे जंप करते हैं बैकवर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू डिवाइड 20 बाय 4 और 20 डिवाइडेड बाय 4, ये सेंटेंस होता है, डिवीजन सेंटेंस है। सो स्टार्ट फ्रॉम 20 ऑन द नंबर लाइन एंड जंप 4 स्टेप बैकवर्ड ईच टाइम। यहाँ नंबर जिसको आपको डिवाइड करना है इसलिए आपने 20 तक काउंट किया, यहाँ वो नंबर लिखा है जितने जंप आपको लेने हैं, सॉरी जंप नहीं, जितने नंबर ऑफ टर्म काउंट करने हैं, स्टेप लेने हैं, है ना? स्टार्ट फ्रॉम 20 ऑन द नंबर लाइन एंड जंप 4 स्टेप बैकवर्ड ईच टाइम। सी दिस इज योर नंबर लाइन 0 to 20 एंड डिस्टेंस इज 4, 1 सॉरी 20 से 1 2 3 4, ओके 16, देन 16 से 1 2 3 4 12, देन अगेन 1 2 3 4, देन 8, 8 से 1 2 3 4 4, 4 से 1 2 3 4 एंड अल्टीमेटली यू गॉट 0। दैट मीन्स हाउ मेनी जंप आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5, सो आंसर वुड बी 5। काउंट द नंबर ऑफ जंप सॉरी कंटिन्यू जंपिंग बैकवर्ड्स बाय 4 टिल यू कम टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहां जो नंबर होता है उतने स्टेप्स आपको पीछे जाना है, ठीक है? देखिए इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया है, देखिए रिवीजन टाइम में यूज द नंबर लाइन टू डिवाइड एंड राइट द आंसर, वन इज डन फॉर यू। देखिए आपको 18 डिवाइडेड बाय 3 लिखा है, मींस 18 तक काउंट करना है, ये 18 रहा, ठीक है? फिर कितने कितने स्टेप लेने हैं, 3 3, दैट मींस 18 पर अगर आप हैं तो आगे 3 स्टेप, 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप, इस तरह से आप जंप करते जाएंगे और अल्टीमेटली यू रिच टू 0। सो नंबर ऑफ जंप्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो आंसर इज 6। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6। बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है? अब हम इसी बेस पर एक और क्वेश्चन यहाँ आ गया आपके लिए, क्वेश्चन हमने करके रखे हैं, इनको आप कीजिएगा। देखिए फाइंड 10 डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो ये रहा 10, काउंट किया हमने 0 to 10, है ना? आपसे कितने स्टेप बोला है, 2 2, सो 10 पर अगर आप हैं तो 1 and 2 1 and 2 1 and 2 एंड यू विल रीच एट टू 0। सो हाउ मेनी जंप्स, 1 2 3 4 एंड 5, सो नंबर ऑफ जंप्स आर 5, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ओके बच्चों तो इसी तरह ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। देखिए आप क्वेश्चन सी डी एंड ई फाइन, अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इसको पहले मन से करें और फिर अगर आपको नहीं बनता है देन यू विल चेक द आंसर इन वीडियो। फाइन टर्न द पेज 38। नाउ देखिए डिवीजन बाय 1, यहां हम आपको डिवीजन फैक्ट समझा रहे हैं। डिवीजन
डिविजन बाय वन, डिवाइडिंग बाय वन मीन्स पुटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू वन ग्रुप ओनली, सो वी गेट द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, सिक्स डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू सिक्स, वी हैव सिक्स टेनिस बॉल, सो पुटिंग और डिवाइडिंग इनटू वन ग्रुप, इसको एक ही ग्रुप में रखना है, तो कितनी बॉल आएंगी, सिक्स बॉल्स ही आ जाएंगे. नाउ डिवीजन बाय द सेम नंबर, डिवीजन बाय द सेम नंबर यानी किसी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर कितना मिलेगा, वन. फाइन, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ मीन्स ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इक्वल टू द गिवन नंबर. फॉर एग्जांपल, 8 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1. वी हैव 8 फ्लावर्स, इफ वी हैव टू पुट और डिवाइड देम इनटू 8 ग्रुप्स, सो आई गेट 8 ग्रुप्स एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव 1 एज एन आंसर. एंड लास्ट, डिविजन बाय जीरो मीन्स ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स इन टू नो और जीरो ग्रुप्स. दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी कांट डिवाइड ए नंबर बाय जीरो. मीन्स कोई भी नंबर आपके पास यदि ए है उसको आप जीरो लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये आप ध्यान रखें. चलिए लास्ट, जीरो डिवाइडेड बाय अ नंबर. हाँ, आप किसी जीरो को डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर जीरो मिलेगा. दिस मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू बी ग्रुप, सो देयर विल बी नो ग्रुप्स और जीरो ग्रुप्स. जीरो डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो. इसी बेस पर ये रिविजन टाइम है. यहाँ आपको एट डिवाइडेड बाय वन दिया है, एट, सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स वन, जीरो डिवाइडेड बाय नाइन जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय सेवन जीरो, थ्री डिवाइडेड बाय वन थ्री, एंड फाइव डिवाइडेड बाय फाइव दैट इज वन. सो बच्चों, ये रिविजन टाइम हमने आपके लिए भी कर दिया है, अब आप इसको देखें और करें. और साथ ही अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, दैट इज योर लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू. बच्चों, जो आपने अभी तक इस डिविजन चैप्टर में सीखा वही सब यहाँ पर है, आपको इन्हें ध्यान से करना है. यहाँ पर भी वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, 16 माइनस 8 समथिंग लाइक दैट, राइट. सो आप इसको करेंगे क्योंकि आपको वो चीज समझ आ चुकी है. आप इसमें पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है. ये आपको पूरे कंप्लीट करने हैं ये क्वेश्चंस. आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है जस्ट आस्क अस. फाइन, आई होप यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है ना. ये लास्ट आपकी फन एक्टिविटी है, इस फन एक्टिविटी को भी आप करके कंप्लीट करेंगे. और बच्चों, यहाँ आपका कोर्स पूरा सिलेबस ये बुक कंप्लीट होती है. आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर है बच्चों तो आप फ्रेंकली पूछ सकते हैं, ठीक है. और एग्जाम्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है. टिल देन, बाय बाय.